तो छोटा सा परिचय करवाते हैं और छोटा सा टूर देते हैं हमारे फार्म में अभी क्या क्या चीज़ है और किस जगह पे हमें क्या करने का प्लान है, मतलब आगे आने वाले टाइम पे हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। ये जो मिट्टी देख रहे हो, ये मिट्टी एक्चुअली हमारा पॉन्ड से निकला हुआ था और इस मिट्टी को हम लोगों ने सोचा था कि हमारा जो फ्रंट पे गेट है उस साइड पे हम लोग एक नॉर्मली मिट्टी डाल डाल के एक अच्छा खासा रास्ता बनाएंगे जिससे फार्म के अंदर इजीली कोई भी गाड़ी आ जा सकता है या फिर हम लोग खुद भी आराम से एक रोड बना सकते हैं। तो ये वो मिट्टी है जिसको अभी तक डालने का काम पूरा हुआ नहीं है क्योंकि इतना ज़्यादा धूप था। तो ये तिल का पौधा है, पिछले साल हम लोगों ने थोड़ा तिल उगाया था, तिल काफ़ी अच्छा एक तेल है, आम खाया और फेंक दिया और फेंकने के बाद यहाँ पर छोटा छोटा बाउंड्रीज पे ऐसे आम का पेड़ आना शुरू हो गया। और ये है हमारा चिकन जो बारिश का मज़ा ले रहे हैं, देखो दो दो इधर निकल के मजा ले रहे हैं बारिश का, चलो उनको लेने दो। यहाँ पे देख सकते हो ये छोटा छोटा जो आम का पेड़ है, ये छोटा छोटा आम का पेड़ हम लोगों ने बस आम का बीज खाया और बस फेंक दिया। काफ़ी लोगों का सोच होता है कि चलो इतना सारा आम लगा दिया इससे कुछ ठीक है भाई नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन तो आ रहा है ना, बस इतना काफ़ी है। तो ये तिल का जो है, तिल का मैंने छोटा छोटा पौधा दिखा दिया, ये देखो चारों तरफ ये तिल है और यहाँ पर लेमन है। तो अभी बारिश के टाइम इसको पिछले साल लगाया गया था, मिट्टी जैसे थोड़ा सा भींग जाएगा इसके आसपास के तरफ मिट्टी को खुदाई करके फिर इस पर थोड़ा सा गोबर, थोड़ा सरसों का खाद, ये सारा चीज़ को मुझे डालना पड़ेगा। तो ये हो गया लेमन, ये एरिड लैंड है और थोड़ा सा अगर मैं जाता हूँ मिट्टी के अंदर खोद खोद के तो फिर बस इसमें पत्थर ही पत्थर निकलता है। तो लेमन ग्रास का जो कलर है वो डिसकलर हो गया कम पानी की वजह से और कुछ कुछ देखो यहाँ पर पत्तियाँ सूख भी गए हैं। तो ये हो गया लेमन ग्रास, जिस मैंगो हम लोगों ने लगाया था, मतलब बीज जस्ट खा के फेंक दिया था, तो देखो उसका ही कितना बढ़िया एक मतलब पौधा निकल गया। इसको अब थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ेगा, थोड़ा एक बांस ला के इसको ऐसे करके बांध देंगे तो ये पूरा सीधा हो जाएगा। ये सारा लेमन्स है, देखो ये भी लेमन है और यहाँ पर भी लेमन है, ये भी लेमन है, पत्ता थोड़ा सा येलो येलो हो रखा है, मतलब पानी का कमी है। तो यहाँ पर थोड़ा अभी ड्रिप लाइन का हम लोग सोच रहे हैं कैसे करके ड्रिप लाइन किया जा सकता है, या फिर पेड़ है इधर अगर हम लोग एक पॉट रख देते हैं जिसको पॉट इरिगेशन बोलते हैं, मटका एक रख देंगे फ्रंट में थोड़ा सा ऐसा कुछ है। और यहाँ पे देखो आम का पेड़, ये इज़राइल का एक कॉन्सेप्ट है हाई डेंसिटी मैंगो फार्मिंग, तो हम लोगों ने बस नॉर्मली आम का बीज खा खा के इधर फेंक दिया और फिर ऑटोमेटिकली इधर हाई डेंसिटी मैंगो फार्मिंग का कॉन्सेप्ट चालू हो गया नेचर के साथ। इस साल हम लोगों ने इधर लेमन ग्रास लगा दिया, मतलब आज मैंने इधर लेमन ग्रास लगाया और फिर बारिश आना शुरू हो गया, विद इन वन वीक ये लेमन ग्रास का जो रूट है वो मिट्टी के अंदर चला जाएगा और फिर उसके साथ नया लेमन ग्रास आना शुरू हो जाएगा। तो बाउंड्रीज पे मैंने लेमन ग्रास आज बहुत सारा लगा दिया है, ये देखो पूरा बाउंड्रीज पे लगा हुआ है लेमन ग्रास। इस जगह पे हम लोगों ने मकई का खेती किया है, तो इधर मकई हो गया, इसको बंगाली में कांस का फूल बोलते हैं, तो इससे मछली पकड़ने का नेचुरल एक नेट तैयार होता है। तो आपका कहीं से खून निकल जाए, मतलब खून निकल गया, छिल गया, कट गया, तो ये जो छोटा सा पौधा है इसका जो ये पत्तियां है, इस पत्तियों को आप यूज़ करके आराम से खून रोक सकते हो। तो ये बहुत सारा है हमारे फार्म में। नर्सरी से पहली बार जब हम लोग यहाँ पे खेती करना शुरू किए थे तो पूरा एकदम खाली जगह था, तो सबसे पहले हम लोग कुछ आम लगाना शुरू किए। साल हम लोगों ने खेती करना शुरू किया था 2021 में, मतलब आफ्टर द कोविड सिचुएशन हम लोग शुरू किया था 2021 में खेती करना। 2020 में खाना का जो क्राइसिस लगा शहर में रह के, अगर आपको बाहर से कुछ मिलता नहीं है तो फिर आप मतलब कुछ कर नहीं सकते हो, वहाँ से एक रियलाइजेशन आया और फिर खाना ग्रो करना शुरू हो गया। एक्चुअली मैं ट्रैवल भी काफ़ी करना पसंद करता हूँ, तो काफ़ी बार ऐसे फार्म छोड़ के भी चला जाता हूँ अलग अलग जगहों पे घूमने के लिए। तो फार्मिंग लाइफ दोनों को अब मेंटेन करना पड़ेगा, किस तरीके से होगा उसको सोचेंगे। तो ये जो देख रहे हो, इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है हाई डेंसिटी मैंगो फार्मिंग, ये एक इज़राइल का कॉन्सेप्ट है, छोटा सा एरिया पे आप बहुत ज़्यादा आम का पेड़ लगा दोगे। और हम लोगों ने मतलब पहली बार जब लगाना शुरू किया था हमारे पास उतना डीप नॉलेज था नहीं, हम लोग इतना क्लोज इसलिए लगाए क्योंकि मेंटेन करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रहा था, मतलब इस जगह पर बहुत ज़्यादा हवा चल रहा था, आम का पेड़ ऐसे छोटा छोटा होता था और फिर हवा चलने की वजह से आम का पेड़ जो था वो टूट जाता था। विद इन 4-5 ईयर्स इतना रिजल्ट आ गया है। हम लोग 2021 से करना शुरू किया था और ये 2024 है, 3-4 सालों में तो और भी बड़ा हो जाएंगे। आगे आने वाले समय पे हम लोग पॉली हाउस भी अपना एक रेडी करेंगे, बारिश के टाइम छोटा छोटा सीडलिंग्स बनाना हो या फिर बारिश के टाइम कुछ सब्जियाँ उगाना हो पॉली हाउस के अंदर, उसके लिए भी बहुत अच्छा काम
होगा। और अभी पीछे की तरफ आ जाते हैं, मैं जस्ट टूर दे रहा हूँ हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। और बीच में जो बड़ा सा पेड़ है इसको बोलते हैं पलास, हमारा इधर एक लोकल पेड़ है। पलास का फूल होता है, काफ़ी शुगर के लिए अच्छा होता है इसका फूल का चाय बनाना। ये रहा एक नीम का पेड़, हम लोगों ने नीम का जो बीज है उस बीज को कलेक्ट करके बस फार्म में ऐसे फेंक दिया था और अलग अलग जगहों पे फेंका था। कई जगहों पे बीज मर गए, कई जगहों पे बीज हो गए, तो ऐसा अलग अलग जगह पे ऑटोमेटिकली नीम का पेड़ जो है वो आ गया है। इतना सा तो खोदने के बाद अंदर पत्थर ही पत्थर है, तो पत्थरों में अगर अमरूद आ सकता है तो और भी जगह पे आ सकता है। देखो खुद का खाना उगाना, खुद का पेड़ से ऐसे फल उगाओ और बस ब्लॉगिंग करते हुए खुद का उगाया हुआ खाना खाओ। ये छोटा सा घर था जिसको हम लोगों ने बनाया था, अभी इसमें लॉक लगा हुआ है। इस घर को अगर अच्छे से थोड़ा मेंटेन करके यहाँ पे थोड़ा डिजाइन करके रखे तो आराम से यहाँ पे रात में रुका जा सकता है फार्म में, आगे आने वाले टाइम पे टाइम के साथ साथ हो जाएगा। तो ये है पार्थेनियम गाइस, गाजर घास, तो ये बड़ा डेंजरस है। ये हो गया पलास, हमारे इधर लोकल ट्री जिसका बीज ऑटोमेटिकली ऊपर से गिरता है और नीचे इधर पेड़ हो जाता है, तो इसको भी उखाड़ फेंकते हैं। जो भी है पार्थेनियम को नहीं रखना है। और यहाँ पे रेज बेड बनाने का मैंने कोशिश किया था। देखो रेज बेड, हमारे इधर इतना ज़्यादा टर्माइट है, रेज बेड तो भाई लकड़ी से हो नहीं सकता है, इसको दूसरा कोई मटेरियल यूज़ करके, ईंट वगैरह यूज़ करके इससे रेज बेड बन जाएगा। अभी ये भी मेंटेन नहीं है, मैं पूरा 2-3 दिन लगा के इधर रेज बेड बनाया था इधर दो, लेकिन वो मेंटेन नहीं होने के लिए वो ख़त्म हो गया। तो इधर जो था, इधर बैगन था और उस जगह पे धनिया लगाए हुए थे, तो धनिया भी हमारा हो गया। धनिया को भी यहाँ से काट लिया गया था, लगभग इस जगह पे धनिया था। और अलग अलग जगहों पे जैसे हम लोगों ने वाटर सिस्टम के लिए इधर ड्रिप इरिगेशन का एक मेथड यूज़ कर रहे थे, तो अभी ड्रिप इरिगेशन यूज़ नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम लोग इसको यूज़ कर रहे थे। पूरा अलग अलग जगहों पे ड्रिप इरिगेशन का पाइप लगा हुआ है। इस जगह पे हम लोगों ने धनिया लगाया था, अभी धनिया का जो सीज़न था वो तो चला गया, लेकिन यहाँ पे गोबर था तो उस लिए बहुत अच्छा इस जगह पे हो गया था। मतलब ये जो छोटा सा प्लॉट है, इस प्लॉट पे हम लोग किचन गार्डन के लिए पूरा यूज़ कर रहे हैं। ये छोटा सा जो प्लॉट है इधर, ये वाला पूरा प्लॉट हम लोग किचन गार्डन के लिए यूज़ कर रहे हैं। मतलब ये हमारे सामने घर था और यहाँ पे एक पानी का पाइप है जो डायरेक्टली हमारा पॉन्ड से इधर आता है, तो पानी का पाइप इधर है, घर भी इधर ही है और पूरा मेंटेन करने में हमें काफ़ी इजी होता था, इसलिए हम लोग ये जो फ्रंट यार्ड है, ये छोटा सा एरिया को हम लोगों ने एलोकेशन किया था किचन गार्डन के लिए। मतलब ब्रेकफास्ट का सब्जियां हो गया या फिर जो भी बेसिक सब्जियां लगते हैं और बेसिक ब्रेकफास्ट जो भी चीज़ें लगते हैं, तो वो सारा चीज़ को ग्रो करने के लिए, गाजर, खीरा, फिर धनिया, चना, मूंग, तो ये सारा हम लोगों ने इधर छोटा 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 बस छोटा पैच में करना शुरू किया था। और अभी आगे लेके जाएंगे, आगे ये वाला पैच पे चलो चलते हैं। इधर तो हम लोगों ने बीन्स, मतलब बंगाली में बरबट्टी बोलते हैं, बरबट्टी, आई डोंट नो इन हिंदी क्या कहा जाता है, ये ग्राउंड नट मतलब बादाम, बादाम भी काफ़ी लगाया हुआ था, बादाम को मैं मेंशन करना भूल गया इसलिए सॉरी। अभी बादाम का पेड़ देखा छोटा छोटा, तो इसलिए मुझे याद आया कि हम लोगों ने बादाम भी लगाया था। तो ये देखो, ये है बादाम, और ये जो पेड़ देख रहे हो ये हम लोगों ने मतलब कट के हटाया नहीं है, जैसा है बस नेचुरली ग्रो हो रहा है पूरा जंगल जैसा। ये ढक गया है, ये देखो, ये है बादाम, अभी हुआ नहीं है, होने के लिए अभी टाइम है। जो शहरी लोग हैं वो देख लो, बादाम का जो पेड़ होता है वो ऐसा दिखता है, जिनको पता नहीं है बादाम का पेड़ कैसा होता है ये कुछ ऐसा दिखता है, और मिट्टी के अंदर बादाम होता है। बादाम आके उखाड़ दिया बहुत सारा, पता नहीं यार, देखो इतना बड़ा बड़ा बादाम का पेड़ था, कोई आके उखाड़ दिया इतना, क्या कर रहे हैं। यही है हमारे इधर कॉन्सेप्ट, लोग कुछ करेंगे है नहीं, लेकिन कोई कुछ अगर करना चाहते हैं तो उसको तोड़ने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं। इतना सारा बादाम का पेड़ जो है उखाड़ दिया लोगों ने। ये है तिल, इस तिल के बारे में मैंने मेंशन किया था ब्लॉग शुरू
जब कर रहा था उस टाइम स्टार्टिंग पार्ट में। ये जो छोटा छोटा पौधा देख रहे हो ये मूंग है। तो मूंग से जितना सारा हम लोग को प्रोडक्शन चाहिए था हम लोगों ने ऑलरेडी ले लिया और फिर हम लोगों ने हटाया नहीं हार्वेस्ट करने से पहले। जस्ट ये पेड़ है, पेड़ से मैं उखाड़ उखाड़ के दिखा रहा हूँ। तो ये है मूंग का डाल, इसके अंदर बहुत सारा मूंग डाल है जिसको थोड़ा। सो दिस इज मूंग। तो ये मूंग हम लोगों ने लगाया था और ये छोटा छोटा आम अमरूद। तो ये छोटा छोटा जो है पौधा यहाँ पे लगा हुआ है। आगे की तरफ अभी चले आते हैं। ये लगभग एक बीघा में हम लोगों ने इधर लौकी, कद्दू और बंगाली में हम लोग उसको झींगा बोलते हैं, हिंदी में मुझे मालूम नहीं क्या बोलते हैं उसको। अभी भी ये सारा पौधा जिंदा है, इसको अगर थोड़ा सा मेंटेन कर दिया जाए तो वापस से इसमें सब्जी आना शुरू हो जाएगा, बिना कोई केमिकल यूज़ किया हुआ खाना। ये जामुन का पेड़ है, इस जामुन का पेड़ का एज लगभग 3 साल हो गया है। हम लोग बीज से इसको लगाना शुरू किए थे। ये हमारा छोटा सा एक रेन वाटर कंजर्वेशन करने का पिट है, जहाँ से देखो ये छोटा सा जो नाला है ये चारों तरफ हमारा फार्म का है। चारों तरफ का जो पानी है ये आके इधर जमा हो जाता है और फिर काफ़ी बार ऐसा होता है इसके ऊपर हम लोग एक प्लास्टिक डाल देते हैं, ये जो गड्ढा है इसके ऊपर, 2-3 महीने तक बारिश के बाद भी उस पानी से खेती कर सकते हैं बहुत आराम से। इस तरीके से चल रहा है हमारा छोटा सा फार्म का प्रोजेक्ट। सारा कुछ देखने के बाद अभी जाके फार्म के अंदर थोड़ा सा बैठेंगे, छोटा सा एक अपना रूम है उधर, और बैठने के बाद थोड़ा अपना शरीर को जो है पोछ लेंगे, सुखा लेंगे, इसको ड्राई हो जाएंगे। मुझे काफ़ी दिन हो गया ऐसे लंबा व्लॉगिंग करते हुए, मतलब ऐसे कंटिन्यू व्लॉगिंग करते हुए, व्लॉगिंग करने का आदत जो था वो छूट गया था, लेकिन वापस धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ व्लॉगिंग करने के लिए। अभी इस व्लॉग को इधर ही ख़त्म करते हैं, मिलेंगे एक नए व्लॉग पर।